মধ্যে দিয়ে শেষ হলো দুদিন ব্যাপী নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট নথাউড়া কাপ 2023। জাকজম হবে শেষ হলো সমাপ্তি অনুষ্ঠান। এদিন খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিতে হাজির ছিলেন নথাউড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা ওয়েলম্যান গ্রুপের সিইও ললিত শর্মা, টিপু সুলতান, মৌফুজ গৌসি, ইরফান খান, আমির সিদ্দিকী এবং সাফিক খান সহ অন্যান্যরা। এদিন চ্যাম্পিয়ন হলো হাকজা ইলেভেন ও রানার্স হিসাবে নির্বাচিত হলো সিমি স্পোর্টিং ক্লাব। এটি বিজয়ী দলকে ট্রফি এবং 40,000 টাকা এবং বিজেতা দলকে ট্রফি এবং 30,000 টাকা পুরস্কার হিসাবে তুলে দেওয়া হয়। आप देख रहे हैं, हमने पहले भी बोला कि हम हमेशा यूथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आज आपके सामने है। 5 साल बाद भाई फिर से फॉर्म में आ गया, इससे ज्यादा और अच्छा खबर क्या होगा हमारे लिए। ये जोश तो पहले साल का है, अगले साल कुछ और जोश होगा, उसके अगले साल कुछ और जोश होगा। एक दिन ये रहेगा कि आईपीएल टीम यहाँ की टीम बन जाए। फर्स्ट क्वार्टर फाइनल से सोलो এবার সেমিফাইনাল স্টার্ট হবে। সেমিফাইনাল পরে ফাইনালটা একটু আমরা সবাই মিলে দেখবো ফাইনালটা কেমন লাগছে। লেকিন এই যে ক্লাবের সদস্যগুলো যা পদাধিকারীগুলো আছে, অনেক দিন থেকে এই মাঠে অত ভালো টুর্নামেন্ট আমরা দেখিনি। অনেক ভালো টুর্নামেন্ট হচ্ছে, একদম ধরুন এর থেকে ভালো টুর্নামেন্ট ঘাসবান স্পোর্টিং ক্লাবে হয়নি। যে করাতে হ্যাঁ লোককে বলা করকে ये बहुत अच्छी बात है और हम उनको उम्मीद करते हैं ये आगे जो टूर्नामेंट होगा इससे भी बढ़िया होगा। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा 2 साल तो बच्चे सब बैठ गए थे, 2.5 साल तो अभी जो है मेहनत कर रहे हैं और इससे अच्छा खेला होगा आपको देखने के लिए। इस बार जो टूर्नामेंट होगा सामने साल तो बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा लगा प्लेयर लोगों को देख के, अपने लोगों को देख करके के। तो फिर दिखने मिलेगा ये फाइनल का मैच में। जैसे मैंने अपना सीरीज हम लोग रखे हैं स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी, और 2 ट्रॉफी है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है और गोल्ड रिंग है, सिल्वर कॉइन है, विनर का कैश है 40,000 30,000। ये मैं कहना चाहता हूँ बहुत अच्छे टूर्नामेंट लगा मुझे खेलने में। इस जगह मैंने 5-6 बार खेले हैं पर इस बार कुछ अलग क्राउड लग रहा है खेलने में। बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।